आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ ज्याले मुल्क भर में सड़कों पर निकल आए, एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कई इलाकों में डंडा बरदार कारकुनों ने जबरदस्ती दुकानें बंद करा दी। पीपल्स पार्टी सिंध ने कल यौम सयाह मनाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत मुस्तरद होने की खबर आई तो पीपल्स पार्टी कारकुनों ने एहतजाज शुरू कर दिया। लाहौर के कारकुनों ने टायर चलाकर फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी और नैब और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कराची में कारकुन प्रेस क्लब के बाहर जमा हुए और आसिफ जरदारी के हक में नारे लगाए। सखर में आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ ज्याले मुश्तैल हो गए। ज्यालों का डंडा बरदार जुलूस बाजारों में पहुंचा और जबरदस्ती मार्केट बंद कराना शुरू कर दी। लड़काना में कैंडी मार्केट से पीपल्स पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद बाहर निकली और एहतजाजन शहर बंद कराना शुरू कर दिया। हैदराबाद में कारकुनों ने टायर नजरे आतिश करके सड़क ब्लॉक कर दी और हुकूमत और नैब के खिलाफ नारेबाजी की। टंडवाला यार, नवाबशाह, टंडो मोहम्मद खान, दादू, सांगड़ और ठट्ठा में भी कारकुनों ने अपने कैद की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। इस गर्दू में भी मुजाहरीन की बड़ी तादाद बाहर निकली और आसिफ जरदारी के हक में नारेबाजी की। उधर शरीक चेयरमैन की गिरफ्तारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी सिंध ने कल यौम-ए-सयाह मनाने का ऐलान कर दिया है।